नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता HN अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग UPTGT जो वैकेंसी आई हुई थी, अभी जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है, तो उसके जो हिंदी का सिलेबस है UPTGT का, ठीक है, आज वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस तरीका से है कि इसमें 125 क्वेश्चन होते हैं जो UPTGT है, ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, ठीक, मतलब टोटल 500 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर ये होता है। इसके बाद अभी तक तो ये ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाता है, तो इस बार देखते हैं कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके हिंदी का जो सिलेबस है, TGT हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आते हैं, इन पे आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक भी करना है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी में आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले तो हिंदी साहित्य जो है उसका इतिहास पूछा जाता है। तो उसमें इतिहास में क्या क्या पूछा जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल और संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ठीक है, ये सब हो गए। इसके बाद रीत काल हो गया हमारा, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, मतलब ये जो हिस्ट्री पूछी गई है कि इन इन जो अलग अलग काल हुए हैं उनमें किस प्रकार से हिंदी का उद्गम हुआ था, ठीक है, ये सब चीज़ होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हिंदी गद्य साहित्य का विकास, मतलब हिंदी गद्य साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, इसमें कौन कौन से काम किए गए, जैसे निबंध के द्वारा, नाटक के द्वारा, उपन्यास हो गई हमारी, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, लघु विधाएं में क्या क्या है, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, मतलब हिंदी की कौन कौन से रचनाकार हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे और डिटेल में नहीं दिया गया है, मतलब आपको लगभग जो जो इम्पोर्टेंट है उनको तैयार करना है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट काव्य के भेद, रस, अवयव भेद कौन कौन से हैं, छंद, अलंग छंद हो गया हमारा, अलंकार हो गया, शब्दालंकार हो गया, अर्थालंकार हो गया, काव्य गुण हो गया, काव्य के दोष, ठीक है। इसके बाद हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, हिंदी की शब्द संप्रदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि के बारे में पूछा जाता है, मामाकरण, विकास विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, ये सब हो गया। इसके बाद व्याकरण से चीज़ें पूछी जाती हैं, हिंदी व्याकरण जिसमें लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्ध शुद्धिकरण, शब्द पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन क्या क्या है होते हैं, मुहावरा, लोकोक्ति, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा हिंदी से रिलेटेड। इसके बाद जो संस्कृत का थोड़ा सा पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, संस्कृत साहित्य में कौन कौन चीज़ें पूछी जाती है, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, इसके बाद कालिदास, भवभूति, गार्वी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, तो इसमें प्रमुख रचनाकार और रचनाएं को भी डिस्क्राइब किया गया है कि किन किन के बारे में ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है हमारा संधि, स्वर एवं व्यंजन संधि क्या होती हैं, समास, शब्द रूप क्या होते हैं, धातु रूप, कारक, प्रयोग। इसके बाद लास्ट है हमारा संस्कृत का अनुवाद, मतलब अनुवाद भी आता है इसमें। तो ये हमारे TGT हिंदी का सिलेबस है, ठीक है, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग इसका PDF लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम का पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा। 125 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन हमारा होता है 4 नंबर का, टोटल 500 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, जब भी एग्ज़ाम हो तो हमारा इस तरीके से तैयारी होनी चाहिए कि
कि हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। इसी प्रकार के और अपडेट के लिए बने रहिए एच एन अध्ययन से। धन्यवाद।